क्वेश्चन 5.1 का पहला, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स में हम करते क्या हैं, हम वाई सी और वाई पी ढूंढते हैं, करेक्ट। और तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं। ऑल राइट, सो ये तो दिया गया है, गिवन में ऐसा लिख दो गिवन। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, करेक्ट। सो देयरफॉर रूट्स क्या निकलेंगे, इसके रूट्स निकलेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रूट्स इसके निकलेंगे हमारे पास वन माइनस सिक्स एंड फाइव, सो द रूट्स विल बी वन एंड फाइव। ओके, सो द रूट्स आर वन कमा फाइव, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो हमें लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। वाई सी इज इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू फाइव एक्स, करेक्ट। इसी तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखते हैं, जो वन है वो इधर आएगा, फाइव जो है इधर आएगा, ठीक है। अगर रिपीटेड, अगर हमारे पास ऐसे रिपीटेटिव आ रहे तो प्लस सी थ्री एक्स ई रेस टू फाइव एक्स ऐसा आता, बट एनीवेज यहाँ पे कोई रूट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट, जो एफ एक्स हमें दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स जो दिया गया है वो है ये फोर ई एक्स माइनस टू ई माइनस एक्स, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर टेकिंग फोर ई एक्स, एल्फा यहाँ पर क्या है, एल्फा याद रखना, जो जो ये रहता है ना, आई मीन द फॉर्मेट, वो कुछ इस तरह से रहता है के ई एल्फा एक्स। तो एल्फा क्या है यहाँ पर, एल्फा है यहाँ पर वन, ठीक है। तो एल्फा वन है और रूट्स में भी हमें वन मिल रहा है, सो देयरफॉर रिपीटेटिव रूट्स, इट हैज़ अ रूट इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, सो अल्फा इक्वल टू वन है। एंड नेक्स्ट हमें क्या दिखना है, हमें देखना है कि टेकिंग टू ई रेस टू माइनस एक्स, टू ई रेस टू माइनस एक्स, सो अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा यहाँ पर माइनस वन है, तो यहाँ पर कोई रूट नहीं है, देर आर नो रूट्स, ठीक है। माइनस वन करके कोई रूट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर रूट है, ठीक है, तो पहले चेक करना कि कितने बार वो रिपीट हो रहा है, अगर एक ही बार रिपीट हो रहा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सी, सी नहीं, चलो दूसरा कुछ ले लेते हैं, ए नॉट ले लेते हैं, ए नॉट ई, ठीक है, ए नॉट ई रेस टू एक्स, ये तो है ही, अगर रिपीट हो ना हो तो है ही, लेकिन उसके साथ एक एक्स मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बार हमें दिख गया, मान लो एक बार हमें यहाँ पर रूट दिख गया, मान लो दो बार दिखता तो एक्स स्क्वायर, तीन बार दिखता तो एक्स क्यूब, ऐसे करके जाना पड़ता, ठीक है। ए नॉट एक्स ई रेज टू एक्स प्लस ए वन, ठीक है, दूसरा एक कॉन्स्टेंट ले लो ए वन, और यहाँ पे तो कोई रूट नहीं है तो ई रेज टू माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे वन है इसलिए वन, यहाँ पे माइनस वन है इसलिए माइनस वन, ठीक है, हो गया। अभी वाई पी तो हमें मिल गया, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई पर डी एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो यहाँ पे वाई पी डैश, वाई पी डैश डैश, इतनी दोनों ढूंढने हमें, तो वाई पी डैश क्या होगा यहाँ पर, वाई पी डैश, सो इट विल बी ए नॉट ई रेस टू एक्स प्लस ए नॉट एक्स ई रेस टू एक्स, ठीक है, माइनस ए वन ई रेस टू माइनस एक्स, करेक्ट, ठीक है। वाई पी डैश डैश में क्या आएगा, इट विल बी ओके सॉरी ए नॉट ई रेस टू एक्स, ठीक है, ए नॉट ई रेस टू एक्स प्लस ए नॉट, ओके, ए नॉट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस
ए नॉट, ठीक है, ए नॉट एक्स आई ई रेस टू एक्स प्लस ए नॉट, ओके, ए नॉट ई रेस टू एक्स माइनस, ठीक है, अभी ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, ए वन ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल राइट, तो ये जो है वाई पी डैश डैश वाई पी डैश और वाई पी हमें इधर सब्सटीट्यूट करना है। ऑल राइट, सो देयर फोर वाई पी डैश डैश माइनस सिक्स वाई पी डैश प्लस फाइव वाई पी इज इक्वल्स टू फोर ई एक्स माइनस टू ई माइनस एक्स। देयर फोर ए नॉट ई रेस टू एक्स प्लस ए नॉट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ए नॉट e रेस टू x प्लस ए वन ई रेस टू माइनस एक्स हो गया। इसके बाद वाई पी डैश, सो माइनस माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ ए नॉट ई रेस टू x माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ ए नॉट एक्स ई रेस टू x प्लस सिक्स टाइम्स ए वन ई रेस टू माइनस एक्स। नेक्स्ट प्लस फाइव, सो प्लस फाइव प्लस फाइव ए नॉट e raise to x plus x x, okay, e raise to x x plus 5 a 1 e raise to minus x equals to, इसके बाद equal to आएगा 4 e raise to x minus 2 e raise to minus x, ठीक है, ये पूरा हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब कटिंग करना शुरू करो, a not e raise to x, ठीक है, या चलो a x जो यहाँ पर जो टर्म्स हमें नहीं दिख रहे हैं ना उनको कट करो। तो जैसे कि यहाँ पर हमें x e रेस टू x ऐसा कोई टर्म नहीं दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर है, तो कट, तो देखो a नॉट x रेस टू ई एक्स है, और देखो कहीं पे है क्या, ये देखो प्लस फाइव ए नॉट ई रेस टू एक्स x है, और कहीं है अब माइनस, तो इसे इसे और इसे अगर ऐड कर दे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ऑल राइट, सो फाइनली हमें आंसर मिल क्या रहा है, तो देखो ए नॉट ई रेस टू एक्स और कहीं पे, ओके टू ए नॉट ई रेस टू एक्स, ओके टू ए नॉट माइनस सिक्स ए नॉट विल बिकम माइनस फोर ए नॉट ई रेस टू एक्स, ठीक है, ये वाला और ये वाला माइनस फोर ए नॉट ई रेस टू एक्स एंड, हाँ तो इतना ही है, माइनस फोर ए नॉट ई रेस टू एक्स, ओके ये हो गया। अभी ई रेस टू माइनस एक्स देखो, तो ई रेस टू माइनस एक्स में ए वन प्लस सिक्स ए वन विच इज़ सेवन ए वन, सेवन ए वन प्लस फाइव ए वन सो ट्वेल्व ए वन, ट्वेल्व ए वन ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फोर ई रेस टू एक्स माइनस टू रेस टू ई माइनस एक्स, ठीक है, हो गया। तो एक काम करता हूँ अभी वाई सी जो है ना, इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो वाई सी है वाई सी को मैं ऊपर लिख देता हूँ, वाई सी इज इक्वल्स टू सी वन ई डेस टू एक्स प्लस सी टू ई डेस टू माइन ई डेस टू फाइव एक्स, ठीक है, हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या देखना है यहाँ पर, ओके देयरफॉर यहाँ पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, सो माइनस फोर ए नॉट इज इक्वल्स टू फोर, सो दिस विल कम आउट टू बी ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वन, ट्वेल्व ए वन एंड माइनस टू, ट्वेल्व ए वन इज इक्वल्स टू माइनस टू, ओके माइनस टू, सो दिस विल गिव ए वन एज माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है, एज टू बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई सिक्स हो गया। सो ये जब हमें मिल जाता है तो डायरेक्टली हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है सब कुछ, सो y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, ये हमें पता है, विच इज़ इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू फाइव एक्स। वाई पी में क्या मिल रहा है हमें, ये चीज़ प्लस ए नॉट, ए नॉट के जगह पे मैं लिखूँगा ये, ओके माइनस से लिख देता, माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स, ओके प्लस ए वन is this minus 1 by 6 1 by 6 e raised to minus 6, this is the final answer, all right, okay।
तो इस तरह से सॉल्व करने से ये थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है, बट मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।